नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस प्रश्न में क्या कहा है? यहाँ पे आपको एक अवयव दी है और इसमें एक अवयव बोला है अवयव 6। आपको इस अवयव के अवयव 6 का सहखंड ज्ञात करना है। तो इसका सहखंड कैसे निकाल सकते हैं आप? देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अवयव 6 है ये कहाँ आ रहा है। ये पोजीशन 2-3 पर आ रहा है ना, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन पर सहखंड क्या होता है? इसके लिए आप सहखंड लिखेंगे -1^2+3 और m 2 3, मतलब इसका उपसारणिक, राइट? इसका उपसारणिक क्या होगा? इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर, इस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर सारे अवयव एक सारणिक में रख दो तो वो उसका उपसारणिक हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -1^2+3 कितना हो जाएगा 5, और इसका उपसारणिक बनाएंगे तो इसको और इसको छोड़ दोगे आप तो क्या आएगा 1307, ये आया 1307। बस इसको हल करके आपको इसका सेकंड मिल जाएगा। क्या आएगा इसको हल करके? -1^5 -1 और ये होगा 7 -0 = -7, ठीक है? तो अवयव 6 का सहखंड चाहिए था ना, तो अवयव 6 इस पोजीशन पर आ रहा था, इसका सहखंड आया -7। क्लियर? तो इसी प्रकार से ये सहखंड भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक अवयव का उपसारणिक पूछ ले, है ना, और वो हो सकता है कि एक पंक्ति का बोल दें कि इस वाली पंक्ति के सहखंड बताओ या इस वाले स्तंभ के सहखंड बताओ या अलग अलग अवयव के बोल देंगे, है ना। तो किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है, आपको इसी प्रकार से हल करना है। आपको उपसारणिक और सहखंड में अंतर पता होना चाहिए। उपसारणिक होता है ये जो एम से निरूपित करते हैं और सहखंड होता है ये जो ए से निरूपित करते हैं, ठीक है। आपके पास प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी एक सारणिक दे दी जाएगी और उसमें कोई भी एक चर दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लैम्डा दे दिया, हो सकता है एक्स वाई जेड, कुछ भी चर दे दिया जाए और आपको सारणिक का मान दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एक सारणिक दी है λ² 2 3 5 और ये बराबर 1 दी है, मतलब कि सारणिक का मान दिया है और यहाँ से आपको लैम्डा का मान निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल, क्या करना होगा पता है आपको? बताइए, सारणिक का मान निकालना होगा। इस सारणिक को हल करके हम सारणिक का मान निकालेंगे और उसको 4 के बराबर रखेंगे और फिर हमें एक समीकरण मिलेगी जिसको हल करके लैम्डा का मान आ जाएगा। तो इसको हल करके क्या मिलेगा? 5λ² पहले आप 5 को लैम्डा स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 5λ² - 3 × 2 = 6 = 4, यही आएगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा स्क्वायर का मान क्या मिल जाएगा? 4। ये माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का 6 और ये मल्टीप्लाई का 5 इधर जाएगा डिवाइड का 5। इसको आप लिखेंगे 10/5 = 2। तो लैम्डा स्क्वायर का मान आया 2। तो यहाँ से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा λ = ±√2, ठीक है। इस प्रश्न में आपको इस सारणिक का मान निकालना है। देखिए, एग्जाम में हमेशा सारणिक से जो प्रश्न आते हैं ना, या तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए आते हैं या फिर एडजॉइंट वाला वो जो सूत्र है वो सत्यापित करने के लिए आ जाता है और उसी के साथ ए इनवर्स भी निकालने के लिए आ जाता है या फिर सारणिक के मान निकालने के लिए आते हैं। तो सारणिक के मान जब आपके पास निकालने के लिए आते हैं तो बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे गुणधर्मों का प्रयोग करना होगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे प्रसार नहीं करेंगे वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले इसके में कुछ गुणधर्म लगाने की कोशिश करेंगे।
आप बताइए, यहाँ पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट बन रही है कि हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सके। अगर हम यहाँ पे स्तंभों की तरीके से देखेंगे तो अगर इस दो स्तंभ को जोड़ दें तो ये 2A बन जाएगा, यहाँ पे ये 2B, यहाँ पे ये 2C। तो मुझे लगता है पहले आपका ध्यान जाएगा कि ये B+C हो जाएगा, ये भी B+C, लेकिन आगे कुछ बन नहीं रहा है। क्या हम एक काम कर सकते हैं, ये देखिए ये B+C है ना, तो यहाँ पे B और C है, ये C+A है तो यहाँ पे A और C है, ये A+B है तो यहाँ पे A और B है। अगर हम इन तीनों पंक्तियों को जोड़ दें तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एक संक्रिया लगाएं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें कुछ मिल पाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब आप इन पंक्तियों को जोड़ेंगे तो देखिए B+C प्लस B+C, इसको आप 2 टाइम्स ऑफ B+C लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे A+C प्लस A+C, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ A+C लिख दें, और तीसरे में A+B प्लस A+B, तो 2 टाइम्स ऑफ A+B लिख दें, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A+B, ठीक है। और R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं हुए तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा, B+A B C C और A+B, राइट। अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि यहाँ पे इस पूरी पंक्ति में से ना 2 कॉमन आ जाएगा। आप जानते हैं आपको ये गलती नहीं करनी है कि सारणिक में आप किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कॉमन लेते हैं और आवयव में सारे के सारे अवयव में से कॉमन लेना होता है। मतलब अगर हमको यहाँ पे 2 कॉमन लेना है तो हम इस वाली पंक्ति में से ले लेंगे, क्योंकि इस पंक्ति में भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। लेकिन अगर ये अवयव होती तो हम इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सारे अवयवों के साथ 2 कॉमन नहीं आ रहे, राइट। अवयव में से मतलब सारे के सारे अवयवों में से कॉमन आता है और सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। फिर हमें जो सारणिक मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया है तो ये पूरी की पूरी पंक्ति ऐसे कैसे आ गई, और यहाँ पे 2 हटा के ये हो गया B+C और ये A+C और ये A+B, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें अरेंजमेंट, कुछ लग रहा है आपको क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको सारणिक का मान निकालना है ना, तो आपको यहाँ पे 0 अवयव बनाना है ना। तो अगर हम इस R1 में से R2 को घटा दे या R2 में से R3 को घटा दे तो कहीं पे कुछ 0 बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये A+C और ये A+C दोनों माइनस होके यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होगा तो सिर्फ A बचेगा और यहाँ पे ये माइनस होगा तो सिर्फ C बचेगा। तो हम यहाँ पे एक संक्रिया लगाएंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2 की, और देखते हैं इस संक्रिया को लगाकर आपको क्या मिलेगा। ये हो जाएगा B+C माइनस B, मतलब कि C A+C माइनस C+A, ये हो जाएगा 0, A+B माइनस B ये हो जाएगा A, ठीक है। और ये दोनों की दोनों पंक्ति ऐसी की ऐसी लिखी जाएंगी, B C+A B, यहाँ पे C C और A+B, राइट। अब हमें यहाँ पे विस्तार करने के लिए एक संक्रिया और लगा सकते हैं, कौन सी, R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इस संक्रिया से क्या होगा देखिए, पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी आएगी C0A, दूसरी पंक्ति ऐसी की आएगी B C+A और B, और तीसरी पंक्ति देखिए C माइनस C ये हो जाएगा 0, C माइनस 0 ये हो जाएगा C, और A+B माइनस A तो यहाँ पे आ जाएगा B, राइट। अब हम यहाँ पे एक संक्रिया और लगा सकते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R3। हम ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 0 बना के इसको छोटा करना है, जिससे कि इसका सारणिक आसानी से हो सके। तो ये हो जाएगा, पहली पंक्ति तो ऐसी की ऐसी आएगी C0A, R2 माइनस R3 मतलब B माइनस 0 ये हो जाएगा B, C+A माइनस C तो ये हो जाएगा A, और B माइनस B ये हो जाएगा 0, और ये तीसरी पंक्ति भी ऐसी की ऐसी आ जाएगी 0 C और B, ठीक है। अब आपको इस सारणिक का प्रसार करना होगा, इसका प्रसार कैसे होगा, ये हो जाएगा 2, पहले स्तंभ के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा C गुणा
बी माइनस जीरो है ना, फिर माइनस का बी, माइनस के बी का देखिए ये हो जाएगा जीरो माइनस ए सी, तो माइनस ए सी लिखते हैं इसे, और ये जीरो के लिए तो वो जीरो हो ही जाएगा, तो ये आया इसका प्रसार। इसको थोड़ा हल करेंगे तो इसको आप लिखेंगे टू ए बी सी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी कितना हो जाएगा टू ए बी सी, और टू इंटू टू ए बी सी हो जाएगा फोर ए बी सी। तो इस सारणी का जो मान आया आपके पास क्या आएगा, फोर ए बी सी। ठीक है, तो मुझे लगता है सारणी का प्रसार आपको अब हैबिट बन रही होगी कि कैसे करना है। आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकते हो और कौन सी आप यहाँ पे संख्या लगाओ, है ना, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अब अगला प्रश्न आप मुझे हल करके दिखाइए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और पहले वर्षों में ये पिछले वर्षों में ये आ भी चुका है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि सारणिक का जो हल आएगा वो ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना सी माइनस ए के बराबर आएगा। तो चलिए आप मुझे जल्दी से इसको हल करके दिखाइए। बहुत ही आसान सारणिक है ये और बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसको हल करने की जरूरत मुझे पड़नी चाहिए। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको हल कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि इसकी एक स्तंभ में ना सारे के सारे वन ही दे रखे हैं, और वन दे रखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सीधा सीधा इन दोनों को क्या बनाना है, जीरो बनाना है, फिर इस स्तंभ के अनुरूप इसका प्रसार कर दोगे, है ना। तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम कौन सी संक्रिया लगाएंगे, आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन, राइट। तो इसमें आप जब संक्रिया लगाएंगे तो ये पहली पंक्ति तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी वन ए ए स्क्वायर, दूसरी हो जाएगी वन माइनस वन जीरो बी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वन माइनस वन जीरो सी माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए। तो इस पूरी पंक्ति में से बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इसी तरीके से इस पूरे में से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहली पंक्ति पे ऐसी की ऐसी आएगी वन ए स्क्वायर, यहां से बी माइनस ए कॉमन आ चुका था तो यहाँ बचेगा जीरो वन, और ये देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, बी माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन लिया तो ये हो गया जीरो वन और सी प्लस ए, राइट। अब इस सारणी का आपको प्रसार करना है, सारणी का प्रसार करना तो बहुत अच्छे से आता है आपको, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी माइनस ए, और इसका प्रसार करने पर आप इस स्तंभ के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो जीरो इसीलिए तो बनाए जिससे कि हम यहाँ पे वन सिर्फ वन के लिए यहाँ पे खोलना रह जाए, तो ये हो जाएगा वन इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। ठीक है, इस प्लस ए और इस माइनस ए को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा सी माइनस बी। तो इस सारणिक का प्रसार करने पर आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे चाहिए था ए माइनस बी, ये है बी माइनस ए, तो क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, फिर है बी माइनस सी, इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी और ये सी माइनस ए। ठीक है, ये आया राइट हैंड साइड। मुझे लगता है ये तो मेरे से पहले कर लिया होगा ना आप लोगों ने, आसान था, कुछ था ही नहीं इस वाले सारणिक में करने के लिए। इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, मतलब ये अलग अलग हैं, और ये एक सारणिक है जिसका मान जीरो के बराबर है और आपको दर्शाना है कि वन प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारणिक हल करनी है, यही है इसका मतलब। तो शुरू करते हैं सारणिक को हल करना। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका कोई गुणधर्म लगाना होगा। आप जानते हैं कि जब इस प्रकार का आपको कोई स्तंभ और पंक्ति दे रखी हो तो इसको अलग अलग आगे में तोड़ा जा सकता है ना, कैसे, यहाँ पे आप एक आव्यूह लिख सकते हैं जिसका पहला स्तंभ तो यही रहेगा,
एक्स वाई जेड, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी ऐसा ही रहेगा, और तीसरा जो 1 प्लस x³ 1 प्लस y³ और 1 प्लस z³ है ना, इसमें एक सारणिक में तो हम वन 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 ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे सारणिक में ये x³ y³ और z³ ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड, ये भी ऐसा कैसा होगा, x² y² z², और इसको हमने तोड़ा है ना, तो ये वन वाले तो हमने इसमें लिख लिए, तो ये जो दूसरा वाला है x³ y³ z³, ये हम इस सारणिक में लिख लेंगे, ठीक है, हो सकता है ऐसा, है ना एक गुणधर्म ये। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला सारणिक तो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं अभी, और इस वाले सारणिक में से पहली पंक्ति में से x कॉमन आएगा, दूसरे में से y और तीसरे में से z। जब ये कॉमन आया तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये होगा 1 x x² ये y निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1 y y² और इसमें 1 z z² ये बचेगा। ये वाला जो सारणिक था ना, ये 0 के बराबर दे रखा है, तो मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के। और अब इन दोनों सारणिकों में देखिए, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे बस स्तंभ ही तो आगे पीछे है। अगर हम इन स्तंभों को बदल दें, या तो पहले वाले के या दूसरे वाले के, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे पहले वाले के बदलते हैं, तो हमें क्या चाहिए, पहले जो स्तंभ चाहिए वो वन 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 का चाहिए, मतलब एक तो आप C1 को C3 के साथ बदलेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन आपको ये वाला यहाँ चाहिए, इसका मतलब फिर C2 को C3 के साथ बदलेंगे, तो ये दोनों के दोनों संक्रियाएं लगाने के बाद आपको ये वाला सारणिक बिल्कुल ऐसा कैसा मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 1 x y z x² y² और z², और यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस x y z, और सेम यही वाला सारणिक है। अब इसमें से अगर हम इस वाले सारणिक को कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों सारणिक सेम है ना, तो यहाँ पे कॉमन लेके क्या मिलेगा, इसको कॉमन लेके हमें मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस और यहाँ पे बचेगा x y z, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे दर्शाना है कि 1 प्लस x y z बराबर 0 है। इस वाले सारणिक को जब आप हल करोगे ना, तो ये वाला सारणिक 0 के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का गुणनफल 0 है, ये 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब अतः 1 प्लस x y z किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर, क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे ना, तो ये 0 के बराबर नहीं मिलेगा। ये जो x y z है, साफ साफ कहा गया था कि ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ x y z की एक समीकरण मिल जाएगी और वो कटेगी नहीं, और उसका मान 0 नहीं आएगा, इस वजह से 1 प्लस x y z 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध। इस प्रश्न में आपको दो आव्यूह दिए गए हैं, आव्यूह ए और आव्यूह बी। यहाँ आपको सत्यापित करना है कि ए बी का इनवर्स ये बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के बराबर होता है, मतलब पहले क्या करना होगा, आव्यूह ए और बी का गुणनफल करना होगा और उसका इनवर्स निकालना होगा, उसका प्रतिलोम निकालना होगा, और उसके बाद आपको अलग अलग आव्यूह मतलब बी का भी प्रतिलोम निकालना और ए का भी प्रतिलोम निकालना और उनका गुणनफल करना है, और ये दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। आपको शायद याद भी आ रहा होगा, ये डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, और अब हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये इन आव्यूहों की मदद से सत्यापित करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, आव्यूह ए और बी का गुणा करना, तो इन दोनों की गुणा करवा के हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 2 प्लस 3 × −1 माइनस का 3, 2 − 3 − 1 हो जाएगा, फिर 2 × −2 माइनस का 4, 3 × −3 माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 13, 1 × 1 1 माइनस 4 × −1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, यहाँ आएगा 5, फिर 1 × −2 माइनस का 2, माइनस 4 × −3 प्लस का 12, ये आ जाएगा 10। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए बी के सहखंड आव्यूह का परिवर्त है ना, तो इसके पहले सहखंड निकालकर इसका सहखंड का आव्यूह निकालना पड़ेगा और फिर उसका परिवर्त करना होगा हमें,
तो इसके सहखंड निकाल कैसे निकाले जाते हैं? आप जानते हैं कि यहाँ पे चार अवयव हैं, तो चार सहखंड आएंगे, A11, A12, A21 और A22। ये चार सहखंड आएंगे इसके। ये वाला होगा प्लस का, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा ही होगा। इसका सहखंड +10, -13 के लिए यहाँ आएगा 5, 5 के लिए माइनस का 13 और 10 के लिए माइनस का 1। ठीक है, तो ये इसके सहखंड आए। अब इसका हम आव्यूह बनाते हैं। इस सहखंड के आव्यूह को हम आव्यूह सी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें एक नया आव्यूह मिलेगा, आव्यूह सी, जिसके अवयव होंगे 10, -5, +13 और -1। ठीक है, अब हमें इसका व्युत्क्रम करना है। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा? अगर सी आपके पास है तो आप सी डैश भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10, -5, 13 और -1। इतना तो आप सबको आता ही है। ये जो सी डैश है यही क्या है? इस ए बी का एडजॉइंट है। पता है आपको, जो इस सहखंड के आव्यूह का परिवर्त होता है वही क्या होता है? एडजॉइंट होता है ना। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया आपके पास? आप कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर 10, 13, -5 और -1। ठीक है, इतनी बात। अब क्या करना है? हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स का सूत्र क्या होगा? ए बी का इन्वर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ऐसा ही करेंगे। तो इसका पहले आपको सारणिक का मान भी निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए बी तो निकाल ही दिया। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 अपॉन, ये जो सारणिक ए बी थी वो ये थी, इसका जो सारणिक आएगा वो आएगा -1, -13, 5 और 10। हमें इसका मान निकालना है। और जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है वो ये है, आप इसको यहाँ लिखेंगे 10, 13, -5 और -1, राइट। तो अब इस सारणिक का मान निकाल के इस आव्यूह से भाग कर देंगे तो हमें ए बी का इन्वर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका सारणिक का मान क्या देंगे? 10 इंटू -1 माइनस का 10, -13 इंटू 5 65, माइनस का 65। तो -10 प्लस 65 कितना हो जाएगा? प्लस 55। तो इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन 55 और ये सारणिक 10, 13, -5 और -1। क्लियर इतनी बात? इतना समझ आ गया होगा ना आपको? इतनी चीज तो आपने भी कर ली होगी। तो ये वाला हमने अभी कौन सा पार्ट किया है? अभी ये हमने बायां पक्ष किया है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया है जिसमें ए बी का इन्वर्स निकालना था। तो ए बी का इन्वर्स हमारे पास ये आया। अब हम इसका दायां पक्ष हल करेंगे जिसमें बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स दोनों निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स आएगा 1 अपॉन ए का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ बताइए ए का सारणिक क्या आएगा? ए का सारणिक बराबर 2, 3, 1 और -4 है ना। इसको गुणा करेंगे -8 और इसको करेंगे तो माइनस का 3। -8 -3 -11। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका एक सहखंड आव्यूह चाहिए और उसका परिवर्त निकालना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट उसका सहखंड आव्यूह लिखेंगे जिसका पहला अवयव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका हम परिवर्त भी निकालेंगे। तो 2 के लिए आएगा माइनस का 4, 3 के लिए आएगा 1, 1 के लिए आएगा 3 और -4 के लिए आएगा 2। ठीक, इसको आप लिखेंगे माइनस का 4, -1, -3 और +2। इसका परिवर्त करेंगे तो परिवर्त करने पर आपको मिलेगा -4, -1, -3 और 2। ठीक, ये जो आव्यूह आया ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान आया। और आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आपको -11 से इस एडजॉइंट ऑफ ए को भाग करना होगा। तो यही करें, ये हो जाएगा ए इनवर्स का मान होगा एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि -4, -3, -1, 2 और इसको आप भाग करेंगे 1/-11 से। तो ये वाला जो मान आया ये ए इनवर्स का मान आया। अब ऐसे ही हम बी के लिए करेंगे।
बी इनवर्स क्या आएगा, वन अपॉन बी का सारणिक एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो बी का सारणिक क्या आएगा, यहाँ पे आप यू लेंगे वन माइनस टू माइनस वन और माइनस थ्री, इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस थ्री, माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो टू, तो ये आया माइनस का फाइव। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है आपको। एडजॉइंट ऑफ बी मतलब एक सारणिक चाहिए और उसका परिवर्त चाहिए, और ये सारणिक किसकी होगी, इस बी के सहखंडों की। इस बी का सहखंड मतलब यहाँ पे वन का सहखंड होगा माइनस थ्री, माइनस टू का सहखंड होगा प्लस का वन, माइनस वन का सहखंड होगा प्लस का टू, और माइनस थ्री का सहखंड होगा प्लस का वन। अब इनका परिवर्त करने पर हमें मिलेगा माइनस थ्री वन टू और वन। ठीक है, ये आया एडजॉइंट ऑफ बी। अब यहां से हमें बी इनवर्स का मान मिलेगा, तो क्या आएगा, बी इनवर्स वन अपॉन माइनस फाइव, और ये वाला सारणिक माइनस थ्री टू वन और वन, राइट। ये क्या मिला हमें, ये हमें बी इनवर्स का मान मिला। अब हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों के मान है, अब करना क्या है, अब बी इनवर्स और ए इनवर्स की गुणा करनी है। ठीक है, तो इनकी गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम बी इनवर्स का मान रखेंगे और उसके साथ ए इनवर्स का मान रखेंगे। बी इनवर्स का मान क्या है, माइनस वन अपॉन फाइव, और एक ये वाला आव्यूह माइनस थ्री टू वन वन, और ए इनवर्स का मान क्या है, माइनस वन अपॉन इलेवन, और आव्यूह माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन और टू, और इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है। जब इन दोनों के बीच में गुणा हो रही होगी तो यहाँ पे माइनस वन बाय फाइव और माइनस वन बाय इलेवन को हम अलग से गुणा करके इसको वन अपॉन फिफ्टी फाइव लिखते, माइनस माइनस प्लस वन वन जा वन फाइव इलेवन जा फिफ्टी फाइव, और इन दोनों का आव्यूह का गुणा करके क्या मिलेगा, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ट्वेल्व प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन, टू टू सा फोर, वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, वन इंटू टू टू। ठीक है, अब बस इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ए बी के इनवर्स के बराबर आएगा। ट्वेल्व माइनस टू टेन, नौ चार तेरह, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, ये आया हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान। ठीक, और ए बी का होल इनवर्स क्या आया था हमारे पास, ए बी का होल इनवर्स भी यही आव्यू आई थी, एक बटा पचपन टेन थर्टीन माइनस फाइव माइनस वन, यही आव्यू आई थी। तो दोनों बराबर आए तो आप कहेंगे अतः यह सत्यापित होता है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स होता है। ठीक है।